राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है शनिवार और इस टाइम पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो सुबह सुबह अपना जो एडिटिंग का काम है वो कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दी है, क्योंकि ना आज जल्दी हो गया था और फिर ज़्यादा कट भी नहीं लगाए थे, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप निकाल रखी थी और व्लॉग भी छोटा ही था तो इस करके। और रितु ने भी अपना जो एडिटिंग का काम है वो कर दिया था, मेरा थोड़ा सा पहले हो गया था, इसका बाद में हुआ है क्योंकि ना इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और अब यहाँ पे रितु लग गई है बर्तन साफ़ करने के लिए और मैंने जो स्लैब है वो साफ़ कर दी है और साथ में अपना जो सारा सामान है वो उठा दिया, क्योंकि पूरी भरी हुई थी, जगह ही नहीं थी कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर जो खाने पीने की तैयारी है वो चल रही है और फिर हमें निकलना है तैयार होकर के, क्योंकि अमित का फ़ोन आया था कि मैं पहुंचने ही वाला हूं, मतलब 9:15 से पहले अमित आ गया था, शायद 9:07 9:10 पे ऐसा ही कुछ टाइम था तब आया। तो तब तक मैंने अपना जो मतलब आटा वगैरह वो लगा करके रख दिया था कि वो आएगा ना तभी साथ साथ में रोटियां बना लेंगे खा लेंगे। और तब तक रितु तो तैयार हो रही थी, मैं अमित के आने के बाद तैयार हुई थी, क्योंकि मैं लेने के लिए चली गई थी ना, थोड़ा सा मतलब होता है जहाँ पे जगह बताते हैं मैन वहाँ पे तो आ जाते हैं, लोकेशन भी हम बताते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाती है तो इस करके। और अब हम खाना पीना करके तैयार होके निकल लिए हैं, तो बस वो क्लिप पे रितु के फ़ोन में तो है सारी, मैंने नहीं निकाली क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थे, मेरा तैयार होना भी रहता था, फिर जय भी होता है मेरे साथ में, उसको भी नहलाना तैयार करना पड़ता है इस वजह से। तो अब बस रास्ते की ये थोड़ी सी जो क्लिप है वो निकाली है और कहाँ पे जा रहे हैं वो आगे आप लोगों को पता लग ही जाएगा, वैसे मैंने वीडियो में बता दिया था पर आज आप लोग देख भी लेना। ले इतना ना दिखा दे, ले रही है दीदी ने पी लिए दी, मेरी दी हां मतलब कोई पी, हां ये पी दूसरे ने मार के न सोए वो कपड़ेटियां हुआ। तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं बागड़ू गांव है, छोटी बागड़ू सोनीपत में, तो वहाँ पे बस थोड़ा सा ये हमारा रास्ता रहता है और बस वहाँ पे पूछ करके एकदम से तो क्लिप नहीं निकाली, हालांकि वो बहन बोल रही थी कि क्यों नहीं निकाली, मैंने कहा एकदम से नहीं निकाला जाता, आते हैं उस टाइम पे तो बाद में फिर थोड़ा बहुत ये हो जाता कि भाई यहाँ बैठ लेते हैं उस टाइम पर निकालते हैं। तो चाय पानी हमारा हो चुका है, अब एक बहन आ रही थी मतलब सब्सक्राइबर है मेरी वो मिलने के लिए, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के। और बस अब वो पहुँच चुकी है, ये आई थी मैं लाना गांव है बागड़ू के पास, शायद ठीक ही बोल रही हूँ मैं लाना आई है और वहाँ से आई है, क्योंकि वीडियो में इसको पता लग गया था कि भाई मैं वहाँ पे आऊँगी, तो पास में ही है मतलब होगा 5-7 मिनट का रास्ता ही बाइक पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अपनी स्कूटी लेकर के आई हुई थी और यहाँ पर प्रमोद बहन बैठी हुई है और बस हम आपस में जो बातचीत है वो कर रहे हैं। और ये बोल रही थी कि फुर्सत में आना कभी, क्योंकि आज बाहर सत्संग चल रहा था, तो ये बोल रही थी कि मेरा सत्संग में बैठने का भी मन नहीं हो रहा, मुझे ये हो रहा कि बस मैं यहीं पे बैठी रहूं। और बोल रही थी कल भी मेरे को कि शुक्रवार में आ जाना, जाए कि क्लास लगवा करके मेरे पास 1-2 दिन रह करके जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन आज नहीं रह सकते क्योंकि फिर अमित और रितु भी जाएंगे ना, फिर इनको भी लेट हो जाएगा, क्योंकि ना यहाँ से नज़दीक पड़ता है मतलब रोहतक से 1 घंटे का रास्ता है, पूरा 1 घंटा लगता है। और वहाँ से अगर हम आए वहाँ से तो 4 घंटे तो लगा करके चलो, अगर थोड़ा बहुत और इधर उधर हो जाए तो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, तो सोच भी नहीं सकते मतलब आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये है भाई जब कोई मौका होता है अगला कोई बुलाता है तो आना भी पड़ता है। और फिर ये होता है निकलने के बाद तो कोई बात नहीं, 1 लग जाए 2 लग जाए 3 लग जाए, जब घर से निकल ही पड़े हैं, जब जिस जगह पर जाना ही है, लेकिन फिर भी ये है कि नज़दीक होना थोड़ा सा हमें हो जाता है कि भाई चलो नज़दीक ही है चल पड़ते हैं। तो इसका ये है कि भाई रोहतक है तब तक ना मेरे पास जरूर आना 1 दिन रहने के लिए, रह करके जाना। और बहुत ना सिंपल से हैं, बहुत ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है, मतलब कि भाई हाँ सिंपल सा परिवार हो, सिंपल सा घर हो, वहाँ पर मुझे ज़्यादा पसंद है। और बस अब यहाँ पे जो डांस है वो हो ही रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा डांस की झलकियाँ दिखाऊंगी, ज़्यादा तो मेरे पास नहीं है, मेरी भी क्लिप मैंने मंगवाई है। चलो कर लेना कदे, आपने आपका चेहरा नहीं लेना के ना, कोई दिक्कत ना, कोई नहीं ना। आप तो वैसे भी आ रहे हो पहले भी हाँ। पानी मंगवाओ चुप करवा दिया उन्हें।
ਇਹ ਤਨੋ ਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ ਓ ਓ ਹੋ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਵਾਏ ਓ ਓਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯੂ ਤੇਜ਼ ਰੋਅਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ ਓ ਰੋਈਏ ਰੋਈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਸੇ ਰੋ ਅੱਛਾ ਸੇ ਰੋ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੇ तो फिर तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा है। और जब मैं गीतू को धमका रही थी ना तो ये साथ में रो रही थी और फिर मैं बोल रही थी कि क्या करेगी, रुक जा थोड़े दिन बाद फिर बताऊंगी तेरे को कि हाँ भाई, मतलब जब गुस्सा होता है ना और बच्चा बिल्कुल परेशान कर देता है तभी माँ बाप धमकाते हैं, वरना कोई नहीं खुश होता अपने बच्चे को धमका करके। बोल रही थी कि नहीं दीदी मेरे से तुम्हारा नहीं जाएगा, मैं तो अगर ज़्यादा शरारत करेंगे ना अमित ते पिटवा दिया करूँगी बुला के। मैं कहाँ अमित आओगा, इतना गुस्सा ठंडा हो लेगा, क्योंकि भाई टाइम पे गुस्सा हो ना बाद में थोड़ी हुई, बाद में तो पहले बच्चे ने कुछ कर दिया, बाद में हमारे ना हो जाए चल कोई बात नहीं कर दिया कर दिया, वो तो उस टाइम पर अगर तुरंत उसी टाइम पर फंस जावा तो अलग बात हो है। प्रमोद कर लेना फिर बाहर बता देगी कोई सब बता दे। मैं कौन है पिंदी चाह में ज्यादा खर्चा हुआ है, चिन्नी पत्ती दो तो सत्संग हो गया है ख़त्म। और सत्संग होने पीछे भी हम गीता बहन नाचे थे, मतलब पांच सात जनी रह गई थी में, और उनके जाए पीछे भी अपने जो चाय है वो बना ली है, तो चाय पीवांगे एक बार सारे बैठ के। नीचे बैठ गए थे क्योंकि ना अच्छा लगा नू बैठ के सारे इकट्ठे चाय पीवें खाना खावें, तो उस टाइम पर बड़ा मज़ा आया करें। तो बस ये अपने साथ में बातचीत, साथ में जो चाय पानी है वो चल रहे हैं। और यह बैठी है भाई आंटी, आपने देख ली होगी जो रेड सा स्टॉल है वो ले रखा है, आई थी मेरे पास भी, बहुत अच्छा नेचर है इनका भी सच में बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लगता। हालांकि आंटी से मैं दूसरी बार मिली हूँ, प्रमोद से मैं तीसरी बार मिली हूँ। हाँ शादी में गए ना उस टाइम पे आंटी दूसरी शादी थी वहाँ पे चली गई थी और बोल करके गई थी किसी में, मेरे को आए ना बताना बस ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, तो फिर मेरे साथ फ़ोन पे बातचीत की अगले दिन की, बेटी मेरे तो बहुत धोखा लग गया, मैं कोई बात नहीं आंटी फिर मिलेंगे। और देखो एरो तक ऐसा आना हुआ कि हम अब दो बार मिल चुके हैं 15 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से। और बोल रही थी कि आंटी मैं भी सत्संग करवाऊँगी फिर भी ज़रूर आना, मैंने कहा कि हाँ ज़रूर आएंगे। तो सच में बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया नेचर लगा, मतलब मैंने दोनों का है। और बस ये अपने साथ में बातचीत कर रहे थे, प्रमोद बता रही थी कि मैं भैंस का दूध लेके आई हूँ क्योंकि सीमा ने भैंस के दूध की चाय पसंद है, हम तो गाय का लिया करा, मैं यह नमकीन लेके आई, मैं ये बिस्किट लेके आई, क्योंकि जो सीमा की पसंद की चीज़ है ना सारी मैं लेके आई, हम भी सीमा ने ये चीज़ पसंद है। तो देखो अच्छा भी लगा है भाई, इतनी छोटी छोटी बात इतने ध्यान तक देखे हैं, नोट करे हैं, और फिर उन छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखा है। मतलब मैं कहीं पे भी चली जाऊँ जैसे दूध भी लेके आवेंगे तो चाहे दूध निकाल रखा हो तो दूसरे नु कहेगी कि ना सीमा ने तो कढ़ावनी का पसंद है, कढ़ावनी का डाल दो इसके, तो या तो गिलास में पीवेगी या तो कप में पीवेगी। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाऊँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हैं। और देखो यही बात है क्योंकि अब कमेंट कर रखा था साहिल ने कुछ दिन पहले ही कि भाई असली जो दौलत है ना वो यही है, देखो पैसा तो सब कमाते हैं लेकिन ये जो इतने सारे लोगों का प्यार प्रेम मिलता है, इतना दिल से जाते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जब हम मिलते हैं ना और लोगों का प्यार हमारे लिए देखते हैं और तब बातें होती हैं, क्योंकि देखो व्लॉग देखता है वो बाकी और के व्लॉग भी देखता है, बातें सब तरह की चलती हैं। हालांकि मतलब उनके साथ में रहने वाले भी भाई ये बोलते हैं कि नहीं देख
तेरे लिए कुछ भी है, चाहे कोई कहीं पे भी चला गया, लेकिन तेरे लिए जो इज्जत है ना सबके दिलों में, वो शायद ही किसी के लिए होगी। क्योंकि भाई ना, हाँ जिक्रा चला है, ऐसी बात नहीं है भाई, जिक्रा चला है ना दो बैठ के कि भाई देखो इसकी कभी शिकायत नहीं आई, इसने कभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया, इसने कभी ढोंग नहीं किए, मतलब इसके व्लॉग में जो रियलिटी होती है वो शायद ही कहीं होगी। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच बताऊँ ना, उस टाइम पर ये होता है कि भाई नहीं, हम सिंपल ही चीज़ डालें, हम रियलिटी ही दिखाएं, हम ना कोई डोंगबाजी करें व्यूज के लिए। क्योंकि ना पैसे दो ज़्यादा दो कम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा मतलब हम खुश हैं, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, इतनी हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो हमने यहाँ से कमाया है ना, वो शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती आपको, शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे लिए। सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है हमें, बहुत ही ज़्यादा, जब भी किसी का फ़ोन आता है इस तरह की बात करते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं वो हमें बताते हैं, तो वो सबसे बड़ी कमाई है। मैं तो बिल्कुल नहीं डालते, जा भी हूँ, सबसे पहले मैं पी के कप खाली कराया करूँ। और स्टील के ग्लास बना ले आई, कर देखना प्लीज, स्टील के इन बना नहीं ला, कर देखना प्लीज, इधर बता डाल देना, पर कर एनो प्योर स्टैंडर्ड है, अलग से क्या चाय लवर है ना, जैसे पाल मेरी गाती जो करती हुआ थी सीमा दोर बैठी हूँ ना, गिलास से, गिलास से ले रही थी, गंदी नटी थी, पर मना कर रही है, बना बस दिखाने का तब भेज दिया भाई, चाय पी गई गिलास में और बड़ी है, दो तीन बार चून में ले लिया, इतने बड़े सब्सक्राइबर है तेरे, है ना ठाटे सब क्या माथ मारे आगे ठाटे थे सब, मेरे किसी का मेरे दोरो फोन नहीं, हालांकि अब मेरे सोचे अपराध नहीं हुई, मैंने खुद नगर दिया बतिंदा, अब जिसका बस जावा उसी का कम नहीं करना, कल उसमें जान से हम गाड़ी में तो आज के व्लॉग में इतना ही, और इससे आगे का जो व्लॉग है वो कल देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज बजरंगीला हरियाणा चैनल पे भी वीडियो जाकर के जरूर देखें, अपना एक लाइक कमेंट वहां पर भी जरूर दें। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।